जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके आप जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अजेश के हिंदी में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मटर पनीर बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, कई बार आपने इसे ट्राई भी किया होगा। तो गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा, रेसिपी अगर अच्छी लगती है आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मटर पनीर बनाना। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं हम, हल्का सा ऑयल डालेंगे करीब 2 चम्मच। ऐसे ऑयल हमारा गर्म होता है तो मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड करूँगा क्यूमिन सीड, यानी थोड़ा सा जीरा, बस इतना सा। जीरे को पहले हल्का तड़कने देंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ऑनियन, बस। तो ऑनियन को पहले आपको 50% तक पकाना है, उसके बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर आप ग्रीन चिली ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर प्याज हमारे 50% तक पक चुके हैं, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मात्र 1 छोटा चम्मच जितना डालेंगे, उसके बाद जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हम अच्छे से पका लेंगे। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को अच्छे से पकाना बहुत ही आवश्यक है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट अगर हमारा कच्चा रह जाता है ना तो मुँह में हल्का हल्का सा कड़वापन आता है। बस जैसे ही हमारे इसके अंदर लम्स बनने लग जाएंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट नीचे चिपकने लग जाएगा, तब आप समझ लीजिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमारा पक चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर लिया है ताकि ऑनियन हमारा ओवर कुक ना हो और जले नहीं। चलिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, साथ में डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। गाइज मैं यहाँ पर आपको 1 पोर्शन के हिसाब से बना के बता रहा हूँ, तो इतना ही हम मसाला इसमें ऐड करेंगे, साथ में थोड़ा सा किचन किंग मसाला, ऑप्शनली आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। पाउडर डालेंगे, सौंफ के पाउडर से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास ग्रीन सौंफ है तो उसको हल्की सी रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिएगा, वो उसमें ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर आपका काफ़ी बढ़िया आएगा। तो मैंने यहाँ पर हल्की सी सौंफ पाउडर डाल दी, पानी ऐड करेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को वापस चालू करके इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को फुल फ्लेम पर कर लेंगे ताकि मसाला हमारे जल्दी से पक जाएंगे। कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगा, इससे इसका कलर काफ़ी अच्छा निकल के आ जाएगा। बस आपके पास अगर देगी मिर्ची है तो आप देगी मिर्ची भी यूज कर सकते हैं, देगी मिर्ची से भी इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है और ये स्पाइसी नहीं रहती। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से पक चुके हैं, देख सकते हैं आप सारा ऑयल ऊपर आ गया। बस यही आपको इसके अंदर टोमेटो ऐड करना है, टोमेटो ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन चिली फिर इसका आपको जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ में या उसके बाद में डालनी पड़ेगी। चलिए देखिए, टमाटर भी हमारा अच्छे से पक चुका है, सारा ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसके अंदर ग्रेवी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, बस। तो गाइस देख सकते हैं, मसाला हमारा सारा अच्छे से पक चुका है, बस यही प्रोसेस है आपको पकाना, और बहुत ही कम समय में के अंदर सारा मसाला हमारा जल्दी से पक जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई रहती है, तो हम सीधा इसके अंदर ग्रेवी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ग्रेवी ऐड करने के बाद आपको एक बार इसे फुल फ्लेम के ऊपर अच्छे से हिला देने का, ताकि ग्रेवी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर और ग्रेवी गर्म हो जाएगी। वैसे ग्रेवी ऑलरेडी हमारी पकी हुई रहती है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा पकाने के अंदर। सो गाइस देख सकते हैं आप, ग्रेवी भी हमारी पक चुकी है, सारा ऑयल ऊपर आ गया, बहुत ही कम समय के अंदर, मात्र 30 सेकेंड के अंदर फुल फ्लेम के ऊपर ग्रेवी हमारी पक जाती है। बस मात्र इसमें हमको ग्रेवी गर्म करने का रहता है, क्योंकि ग्रेवी हम भी हमारी पहले से पकी हुई रहती है और मसाला हमने पका ही लिया, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। चलिए इसमें थोड़ी सी हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे 1 चम्मच, ग्रीन पीस ऐड कर लेंगे। महत्वपूर्ण बात, क्रीम डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, मात्र इतना ही पकाना है जितना आपका गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक हम पकाएंगे तो क्रीम हमारी रोगन छोड़ सकती है। गरम मसाला आपने देखा, हमने गरम मसाला इसके अंदर बिल्कुल भी कहीं यूज नहीं किया, साबुत गरम मसाला। अब इसके अंदर लास्ट में फाइनली पीसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर हम कस्तूरी मेथी रोस्टेड कर रखी है हमने, बस ये इस तरह हाथ के अंदर ग्रेट करके ये ऐड कर लेंगे, इससे इसे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा इसमें आपने चीनी ऐड करना है, स्पाइसी एज के अंदर हल्का सा चीनी का मिठास आएगा ना, बहुत ही बढ़िया लगेगी ये। बस ये सारा हमारा अब, और इसके साथ में मैं इसमें ऐड कर लूँगा पनीर। पनीर की साइज गाइज हमने देखी है, यहाँ पर
छोटी छोटी साइज करके काट रखा है, बस जो मटर रहता है ना मटर से थोड़ा सा बड़ा का कोरिएंडर, बस सारा सामान एकदम हम लास्ट में इंग्रेडिएंट सारे साथ में ऐड कर कर बहुत ज़्यादा देर तक हमें ऐसे नहीं पकाना, बस इतना ही पकाएंगे ताकि पनीर हमारा अंदर से गर्म हो जाए। पनीर को बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप पकाओगे तो पनीर आपका अंदर से चीटा पड़ सकता है। बस जैसे ही आपका सारा ये गर्म हो जाता है, इसकी फिनिशिंग देखिए आप, क्या फिनिशिंग है, बहुत ही शानदार और बढ़िया से मटर पनीर हमारी